से पहले बात छत्तीसगढ़ की खबर की, जहां पर बलरामपुर में बवाल में बड़ा अपडेट आपको दें। शव को अंतिम संस्कार के लिए रवाना कर दिया गया है। पुलिस की निगरानी में शव को रवाना किया गया। शव को लेकर जाते वक्त ग्रामीणों ने विरोध भी किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। परिजनों को समझाने में पुलिस जुटी है। युवक ने थाने में सुसाइड किया था और सुसाइड के बाद यहां पर जमकर बवाल हुआ था। कल भी तस्वीरें आपने देखी थी कि कितना ज्यादा बवाल हुआ, जाम किया गया इनके द्वारा, थाने के बाहर हंगामा किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और अब जो है अंतिम संस्कार के लिए शव को रवाना कर दिया गया है। तो बलरामपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि इस दौरान विरोध भी ग्रामीणों का देखने को मिला। आपने कल भी देखा कि कितना ज्यादा विरोध परिजनों के द्वारा देखा गया था। परिजन हंगामा करते नजर आए थे थाने के बाहर, उन्होंने हंगामा किया था। कतई नहीं चाहता कि आप कानून को अपने हाथ में लेके, मैं आपका हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। सुनो, जो मारा है सुन लीजिए, मारा है बोल रहा हूँ, आप लोग का आरोप है, ठीक है, उसकी जांच देखो। सुप्रीम कोर्ट में कस्टोडियल डेथ जो होता है उसके पूरे गाइडलाइन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित है, उसी के तहत उसको में ले लोगे तो आपको परेशानी होगी। और वो मैं कतई नहीं चाहता कि आप कानून, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या अपडेट है इस वक्त इस पूरे मामले में? क्या अभी भी हंगामा परिजनों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा हो रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस की निगरानी में शव को अंतिम संस्कार के लिए रवाना कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ शव को रवाना किया गया। पोस्टमार्टम के पश्चात शव को उसको अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया है। जैसे ही शव को अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया, परिजनों में काफ़ी, गाँव वालों में आक्रोश देखने को मिला। तत्काल वो सड़क पर आ गए और विरोध जताने लगे। पुलिस को उन्हें हटाने के लिए समझाइश देने की कोशिश की गई। लगातार पुलिस और उनके बीच वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती रही। पुलिस उन्हें किसी तरीके से समझा कर किनारे कर पाई है। शव को अब अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है। पुलिस लगातार डटी हुई है। फिलहाल अभी जो जिला हॉस्पिटल की स्थिति यहाँ पर सामान्य हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी भी मौके पर डटी हुई है। लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है, चौक चौराहों पर तैनात कर दिए गए हैं। भीड़ अभी भी आक्रोशित नजर आ रही है, लेकिन अब जो अंतिम संस्कार का स्थल है वहाँ देखना होगा कि किस तरह की स्थिति निर्मित होती। कहीं ना कहीं पुलिस उसे अब जो अंतिम संस्कार के लिए रवाना की है, परिजन अंतिम संस्कार करते हैं या नहीं करते हैं तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि परिजन ने पहले शव को लेने से इनकार कर दिया था। अब वही शव को पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया है। अब यह मौके पर देखने वाली बात होगी कि किस तरह की स्थिति निर्मित होती है। फिलहाल ग्रामीणों में अभी भी आक्रोश नजर आ रहा है। जी, बाकी आक्रोश है, तनाव है, ये भी जानकारी दीजिएगा कि लगातार इस मामले में जांच पड़ताल चल रही थी, आखिर वो कहां तक पहुंची, कि ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो गई थी जो अपनी जान देनी पड़ गई युवक को, चूंकि पहली बार वो नहीं पहुंचा था, कई बार इससे पहले भी पहुंच चुका था। आपने जैसा कि जानकारी पहले भी दी, क्या शुरुआती जांच में कहा जा रहा है, वहां के फुटेज भी थाने के निकले होंगे, सीसीटीवी कुछ भी ऐसा सामने आया? जी, अभी तक जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल जो मामला था, बवाल था, इसे शांत करने में पुलिस की पूरी ताकत लगी हुई थी। पुलिस लगातार उन्हें समझाइश देने में लगी हुई थी। फिलहाल जो बीती रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे थे, उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उनके बयान के तुरंत बाद इस पर थाना प्रभारी और आरक्षक को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अभी भी जो आक्रोश है लोगों में देखने को मिल रहा है, फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी भी इसमें क्या आगे की कार्रवाई चले कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, शाजापुर का जिक्र करते हैं। मिड डे मील में इल्लियां मिली हैं, स्कूली बच्चों को मिल रहा है घटिया खाना। अयोध्या बस्ती के सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है। कई बच्चों ने अपना खाना भी फेंक दिया, टीचर ने खाने की शिकायत की बात भी कही है। ये तस्वीरें आपके सामने, खाने में इल्लियां और इसके बाद बच्चों के द्वारा ये खाना भी फेंका गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शाजापुर के कई बच्चों ने अपना खाना फेंक दिया क्योंकि इसमें इल्लियां थी, ऐसा खाना परोसा जा रहा है। लगातार कहा जाता है कि बच्चों को मिड डे मील में अच्छा खाना परोसा जा रहा है, पर कई बार ऐसी शिकायतें बार बार आती हैं, वो कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं। खाने में लड़े और मच्छर वगैरह निकले अभी दो तीन बार, उसके लिए हमने बात भी की मध्यान भोजन वाले भैया से, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि गिर गया हो रास्ते में या आपके बर्तन में है। हमने हमारे बर्तन वगैरह भी चेक करवाया तो वो तो सब ठीक है, बाकी अब देखते हैं। वैसे बीच में सुधार हो गया।
ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सुनील हंचोरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, खाने में इल्लियां पाई गई हैं, बच्चों ने तुरंत खाना फेंका है, क्या यही स्थिति हमेशा बनी रहती है या अभी ये सामने आया है? देखिए, जो ताजा मामला जो तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, शहर का जो नीमवाड़ी एकीकृत माध्यमिक विद्यालय जो कि अयोध्या बस्ती स्थित उस स्कूल का है। हमें दावे के साथ तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि सभी स्कूलों में इस तरीके का हाल है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, कहीं न कहीं ये सरकारी मशीनरी को सोचना पड़ेगा कि जो मध्यान्ह भोजन का एक बड़ा बजट होता है, जो स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है, जिसको लेकर नियम कायदों की एक लंबी फहरिस्त है, बाकायदा क्वालिटी मैनेजर की नियुक्ति तैनाती है, इसके अलावा मेनू रोस्टर तमाम तरीके की चीजें, उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें आना कहीं ना कहीं चिंता की बात है। स्कूली बच्चों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि आए दिन इस तरीके का भोजन परोसा जाता है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग ठेकेदार द्वारा जो है मध्याह्न भोजन की सप्लाई की जाती है। कुछ जगह एक से अधिक स्कूलों में एक ठेकेदार द्वारा सप्लाई की जाती है, जबकि कई जगह अलग अलग है। शिक्षक भी मॉनिटरिंग करते हैं, इसके अलावा जिला पंचायत में भी मध्याह्न भोजन की मॉनिटरिंग का एक सेल बना हुआ, एक नोडल ऑफिसर बाकायदा तैनात है। लेकिन जिस तरीके से खाने में इस तरीके की इल्लियाँ मिलती है, उसके बाद कहीं न कहीं ये सोचने की बात है कि जो बच्चों को खाना परोसा जा रहा है उसकी क्वालिटी के साथ किस तरीके का भद्दा मजाक किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए सुनील। और अब आगे बढ़ते हैं, छतरपुर का जिक्र करते हैं। यहां पर हरपालपुर रेलवे स्टेशन के पास खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन की थर्ड एसी कोच में आग लगी, हड़कंप मच गया। तो वहीं यात्रियों ने चैन पोलिंग कर ट्रेन को रोका, कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद जाकर के आखिर काबू पाया जा सका, ट्रेन को रवाना किया गया। आप देख रहे हैं जहां पर हरपालपुर रेलवे स्टेशन के पास खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन की थर्ड एसी कोच में आग लगी, हड़कंप मच गया। यात्रियों ने चैन पुलिंग की ट्रेन को रोका, कड़ी मशक्कत के बाद जाकर के आग पर काबू पाया जा सका है, और आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। मैं अभी उदयपुर सिटी एक्सप्रेस में बैठा हुआ हूँ और खजुराहो से जो उदयपुर की ओर जाती है उस ट्रेन में अभी हरपालपुर के पहले M21 बोगी में आग लग गई थी। अचानक से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसमें आग पर काबू पा लिया गया है। अब उसमें कोई हताहत नहीं हुई है, भगवान की कृपा से। और रीवा गैंगरेप मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगरेप की वारदात के वक्त मौके पर कुल 8 आरोपी मौजूद थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंगरेप के एक आरोपी ने कबूला है कि सभी नशे में थे और सभी ने गांजा और शराब पी रखी थी। ये लिट्टी चोखा चल रहा है आज इस जंगल में, कहां ले आया गया है ये नंगा पार्टी बैठी। ये लिट्टी चोखा चल रहा है आज इस जंगल में, कहां ले आया गया है ये नंगा पार्टी बैठी। लोग गुड़ के पास भैरव बाबा के मंदिर है, वहां गए थे घूमने, वहां नहा रहे थे, खाना पीना बनाए वो लोग खाए, और उसके साथ ही मुझे जबरदस्ती गांजा और दारू पिला दी गई। मैं नशे में था। वीडियो भी बनाए थे? मैं भी उसकी वीडियो बनाया था गाड़ी की। वो बोली कि नहीं, रेप का भी वीडियो बनाए थे? नहीं, वो मेरे को नहीं पता है कि वो लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे। इंदौर में हेलोवेन पार्टी को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता तांत्रिक लेकर KEM बिल्डिंग पहुंच गए और वहां पर तांत्रिक क्रिया की जा रही है, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेता अक्षय कांति का भूत भगाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही MGM कॉलेज के डीन और अक्षय कांति बम पर FIR दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। उनके साथ हो रही है।
तो अब तंत्र मंत्र वाली राजनीति हो रही है। चार तस्वीरें आपके सामने। तो केईएम बिल्डिंग पर हल्ला बोल, कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। तांत्रिक भगाएंगे भूत, ये तस्वीर, और हेलोवेन पार्टी पर सियासत किस तरह से हो रही है, तस्वीर आपके सामने। क्या सरकार कितने दबाव में है, जबकि मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री तो ही है ही, गृह मंत्री भी है और प्रभारी भी है। क्या अक्षय बम के इतने दबाव में है, प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है, डॉक्टर भी इसका विरोध कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं। ये ऐतिहासिक धरोहर है और यहां पर जैन सोशल ग्रुप के सदस्यों के द्वारा एक भूतिया पार्टी की गई थी और जिसमें बीजेपी नेता अक्षय कांति बम भी शामिल हुए थे, और अक्षय कांति बम का फोटो सामने आने के बाद से ये बवाल और बड़ा हो गया। मेडिकल चिकित्सक जो एसोसिएशन है, सभी एसोसिएशन वो एकजुट हैं और कल पैदल मार्च में निकाला और वो FIR की मांग कर रहे हैं। अब देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज कांग्रेसी पहुंचे हैं और तांत्रिक को लेकर पहुंचे हैं और ये तांत्रिक यहां पर भूत भगा रहे हैं, और ये तस्वीर है अक्षय कांति बम का, भूत भगाया जा रहा है। और कांग्रेस ने कहा है कि यहाँ पर भूतिया पार्टी हुई थी, यहाँ पर भूत है और उस भूत को भगाया जा रहा है। हालांकि साफ साफ कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से एक नाटक और नौटंकी है, और कहीं ना कहीं से जो भूतिया पार्टी हुई थी उसको लेकर कांग्रेस की राजनीति देखने को मिल रही है। और ये देख सकते हैं आप इस वक्त गेट पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, इसमें भूत भगाया जा रहा है, भूत भगाया जा रहा है, भूत के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी कुछ देर पहले यहाँ पर किया गया था, हवन की जा रही है। और ये तंत्र किया इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल जो स्कूल का जो हॉल है, जो उसका गेट है, वहाँ पर तंत्र क्रिया चल रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। ये यहाँ पर भूत भगा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भूत भगा रहे हैं, जो नकली भूत बन के आए थे और बाकी में भूत बंगला बना दिया इसको। भूतों को भगाने के लिए हम जो है तांत्रिक और पंडित को लेके आए हैं, जो तांत्रिक और पंडित द्वारा भूत भगाने के लिए जो है यहाँ जो है हवन पूजन हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। यहाँ मंत्रों द्वारा और तांत्रिकों द्वारा धूप दीप देकर के और हनुमान चालीसा का पाठ करके और इस भगवान का मंत्रोच्चार करके यहाँ पे जो काल्पनिक भूत आ गए थे उनको भगाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल हॉल की, और देखिए इस वक्त हम भी गेट पे मौजूद हैं जहां पर भूत भगाया। और आइए इस वक्त आपको रायपुर से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। NIT रायपुर का 14वां दीक्षांत समारोह है जिसमें CM साहब शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है, यह संकल्प आप लोगों के योगदान के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, इसी तरह छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम लोग भी इसमें बड़े बूस्ट की तैयारी कर रहे हैं। देश और प्रदेश को आप जैसी युवा प्रतिभाओं से बहुत उम्मीदें हैं। आज प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। यह नीति छात्र छात्राओं में ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर देती है। हमारी आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से कुशल और उद्यमिता से भरपूर पीढ़ी होगी। प्रदेश के 160 ITI का भी हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, हवाई और संचार नेटवर्क का विस्तार बहुत तेजी से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी टीम होगी जो इस प्रदेश को अपने ज्ञान, कल्पनाशीलता और प्रतिभा से विकास की नई ऊंचाइयों पर स्थापित करने में सक्षम होगी। आज के इस दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएट हो रहे छात्र छात्राओं को फिर से मैं एक बार बधाई देता हूं, सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और माननीय राष्ट्रपति महोदया का पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीहोर में बुधनी के बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी ने रैली भी निकाली। रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी उपचुनाव में प्रचंड मतों से जीत दर्ज करेगी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री का कहना था कि बुधनी मेरी कर्मभूमि है। उन्होंने भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उत्साह उमंग के साथ आज जो नामांकन फॉर्म भरा है, यही बता रहा अपने आप में कि यहाँ भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की लहर चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो आज अपने इस कार्यक्रम में नामांकन फॉर्म की रैली में शामिल नहीं हुआ है। और बुधनी वो स्थान है जहाँ से हम 90 के बाद से यशस्वी हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ यहाँ जीत का परचम हमेशा लहराते आए हैं। सारे भाजपा का परिवार, परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, महेंद्र सिंह जी, हम स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। आज हर घर आप बुधनी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। क्योंकि यहाँ की तस्वीर और तकदीर अगर बदली है तो भाजपा की सरकार ने बदली। आईएएस अधिकारी शैलबाला मार्टिन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने महामंडलेश्वर अनिलानंद को जवाब देते हुए कहा है कि आप किसी को देश से निकाल नहीं सकते। ये देश हम सब से मिलकर बना है और सभी का इस पर बराबर का अधिकार है। इसकी खूबसूरती ही विविध धर्मों और संप्रदायों से है, जिनके तीज त्यौहार इसे और अधिक खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर प्रदूषण फैलाना किसी को भी शोभा नहीं देता। सबको अभिव्यक्ति और गलत के खिलाफ बोलने की समान आज़ादी है। कोई किसी को अगर देश से निकल जाने के लिए कहता है तो वो असंवैधानिक है। उज्जैन से बड़ी खबर है। यहां पर शहर से करीब 50 किलोमीटर